क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड में बनने वाली पहली फीचर फिल्म कौन सी थी, उसका नाम क्या था? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे सफर पे जहां मैं आपको बताऊंगा हॉलीवुड फिल्मों का इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी। नंबर 7, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड में बनने वाली पहली फिल्म जिसका नाम था इन द ओल्ड कैलिफोर्निया, जो कि 10 मार्च सन 1910 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की शुरुआत सन 1908 में शिकागो में हुई थी और इसे खत्म किया गया था सन 1910 में कैलिफोर्निया में। इसका मतलब है कि हॉलीवुड की शुरुआत सिटी लॉस एंजलिस में नहीं, जहाँ आज हॉलीवुड है, बल्कि शिकागो में हुई थी। नंबर 6, ये एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका रनिंग टाइम था 17 मिनट, तो क्या इसे फीचर फिल्म बोलना सही होगा? बिल्कुल नहीं। तभी फिल्म इन द ओल्ड कैलिफोर्निया को हर एक सोर्स में शॉर्ट फिल्म का दर्जा ही मिला है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर D.W. ग्रिफ्थ ने सोचा होगा कि 17 मिनट काफी हैं एक स्टोरी दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें शायद उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक फिल्म की पूरी स्टोरी दिखाने के लिए 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। यही वजह है कि फिल्मों के सीक्वल बनाए जाते हैं। वो आप ये बोल सकते हैं कि फिल्म इन द ओल्ड कैलिफोर्निया हॉलीवुड की फुल लेंथ फीचर फिल्म नहीं थी, तो सवाल ये है कि कौन सी हॉलीवुड फिल्म है जो कि हॉलीवुड की फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म है? इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंत में। नंबर 5, इन द ओल्ड कैलिफोर्निया फिल्म के राइटर थे स्टेनर ईवी टेलर, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी लिखा था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक साइलेंट फिल्म थी, क्योंकि उस समय आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी उपकरण नहीं थे। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जिस हॉलीवुड फिल्म में सबसे पहले आवाज रिकॉर्ड की गई थी, उसकी आवाजें नेचुरल सोर्स से ली गई थी, जैसे पक्षियों की आवाज, पानी की आवाज। नंबर 4, 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म को अमेरिका में शूट किया गया था, लेकिन इसमें अमेरिकन कल्चर नहीं बल्कि मैक्सिकन मेलोड्रामा दिखाया गया था। इस फिल्म को स्पेनिश सेनोरिटा भी कहा जाता है। तो ये अमेरिकन फिल्म थी क्यों? क्योंकि इस फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो उस दौरान की है जब कैलिफोर्निया में मैक्सिकन इंडिपेंडेंस की घोषणा की गई थी। यही वजह थी कि शॉर्ट फिल्म में मैक्सिकन कल्चर दिखाया गया। नंबर 3, 6 मई सन 2004 तक लोगों का ये मानना था कि हॉलीवुड की पहली फिल्म द स्क्वामैन है, जो कि रिलीज हुई थी सन 1914 में। जी हाँ, इन द ओल्ड कैलिफोर्निया के रिलीज के 4 साल बाद। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस फिल्म से जुड़े सभी दस्तावेज खो गए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल्म इन द ओल्ड कैलिफोर्निया सन 2004 में बेवरली हिल्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, यानी इस फिल्म के रिलीज के 94 साल बाद, और ये भी एक रिस्टोर्ड किया हुआ वर्जन था। नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक ऐसी फिल्म भी है जो कि इन द ओल्ड कैलिफोर्निया से पहले बनी थी? मतलब ये कि इन द ओल्ड कैलिफोर्निया हॉलीवुड के इतिहास में बनने वाली सबसे पहली फिल्म नहीं है। जो फिल्म सबसे पहले बनी थी उस फिल्म का नाम है द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्को। आप ये जानने के लिए हैरान होंगे कि अगर ये फिल्म पहले बनी थी तो इस फिल्म को क्यों नहीं हॉलीवुड की फर्स्ट फिल्म कहा जाता? वो इसलिए कि ये फिल्म सबसे पहले बनी जरूर थी पर कभी रिलीज ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इन द ओल्ड कैलिफोर्निया ही सबसे पहली फिल्म है जो कि हॉलीवुड में रिलीज हुई थी। नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि हॉलीवुड की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म कौन सी थी, तो उस मूवी का नाम था द स्क्वामैन, जो कि सन 1914 में रिलीज की गई थी, और ये भी एक साइलेंस मूवी थी जिसकी लेंथ थी 1 घंटा 14 मिनट। तो ये थे कुछ रोचक फैक्ट्स हॉलीवुड के इतिहास के बारे में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।